तो मैं आपका अपना आपके अपने यूट्यूब चैनल के लोग मैं फिर से जैसे कि भाई आप लोगों को पता है आजकल पैन कार्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर बैंक से रिलेटेड काम हो या आपको लोन लेना हो। और भाई आजकल पैन कार्ड में इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं जिनका अभी काफी लोगों को पता नहीं है, तो मैं भाई आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप 10 मिनट में अपना इंस्टेंट ई फिलिंग के थ्रू आप अपना 10 मिनट में जो है पैन कार्ड अप्लाई करके और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए, जो 10 मिनट में अपना इंस्टेंट पैन कार्ड बनवा लेंगे और उसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो। चलिए भाई इस वीडियो में पूरा देख लेते हैं कि कैसे आपको जो ई फिलिंग से ऑनलाइन पैन कार्ड ई KYC के थ्रू अप्लाई करना है। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं ई फिलिंग पैन कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप भाई अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए होम पेज पर आने के बाद इंस्टेंट ई पैन का ऑप्शन आ रहा है, हमें जो इस पर क्लिक करना है। मैं मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसे 5 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए एक हमारे सामने एक नया होम पेज खुल के आएगा जिसमें दो ऑप्शन आएंगे, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ। एक तो जब आप ई फिलिंग अप्लाई कर देंगे उसे डाउनलोड करने का, और एक आएगा अप्लाई करने का। ये यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है। तो ये देखिए गेट न्यू ई पेन, अगर आपको नया अप्लाई करना है तो गेट न्यू ई पेन पे, और ई पेन पे अप्लाई करने के बाद अपना ई पेन का डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पेन आएगा। देखिए सबसे पहले एंटर आधार नंबर डाल के मैंने OTP जो आया था OTP वैलिड कर दिया है। सबसे पहले आधार नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP बाद देखिए मेरी जो eKYC आधार की डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे शो हो गई। अब अपनी ईमेल आईडी आपको लिंक करके उसको जो है वेरीफाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है ईमेल आईडी एंटर कर दी है। अब ईमेल आईडी पे देखें OTP गया हुआ है, वो OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद ईमेल आईडी को जो है वेरीफाई करना भाई ज़रूरी है। ठीक है, पहले आधार नंबर डाला, आधार नंबर पे OTP आया, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है देखिए ईमेल पे भी OTP आ गया, हमारा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए टिक बना गया, उसके बाद देखिए बस आपको जो है आई एग्री करके कंटिन्यू करना है। ये देखिए योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड, मतलब ई पैन कार्ड देखिए हमारे ऊपर के चारों कॉलम पे टिक लग गया है, यानी कि हमारा ई पैन कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब देखिए इसको चेक करने का या डाउनलोड कैसे करना है, फिर दोबारा देखिए मैं होम पेज पर आ गया, यहाँ पे इंस्टेंट ई पेन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। पहले मैंने गेट न्यू पेन कार्ड अप्लाई वाले पे किया था, पर अब मैं उसके नीचे जो चेक स्टेटस और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाके मैं अभी इसे चेक कर लेता हूँ। तो देखिए भाई होम पेज खुल के आ गया फिर दोबारा। अब हमें अप्लाई वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, अब हमें जाना है चेक स्टेटस और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। तो ये देखिए भाई अब चेक स्टेटस और डाउनलोड पेन वाले ऑप्शन पे जो है यहाँ पे कंटिन्यू करना है हमें। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये आपका आधार नंबर मांगता है, यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के जैसे ही कंटिन्यू करेंगे फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को जो है देखिए OTP वैलिडेशन मांग रहा है, फिर उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद कंटिन्यू करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे करंट स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि भाई ये 1 से 2 घंटा ले लेता है डाउनलोड होने में। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई दिक्कत है कॉमेंट कर देना।